मधुबनी लोकसभा हम पहुंचे हैं और बता दें यहां अचानक रास्ते से गुजरते समय काफ़ी आक्रोश में लोग हैं और लोग जो नारे लगा रहे हैं वो जरा आप पहले सुन लीजिए क्या नारा है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। कौन सा नारा आप लोग लगा रहे हैं? अशोक नारा मुर्दाबाद, अशोक यादव मुर्दाबाद, मोहन मुरारी मुर्दाबाद, अशोक यादव मुर्दाबाद। वो आप लोगों ने सुना, ये देखिए ये अशोक यादव जो बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जो बीजेपी के कोयटी के यहाँ विधायक हैं मुरारी मोहन झा उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये आखिर नारेबाजी क्यों हो रहा है, क्यों खिलाफ कर रहे हैं? सर हम लोग बीजेपी का वोटर है जी जी, लेकिन अशोक यादव जी को अगले पाँच वर्षीय में वोट दे के हम लोग भेजे, अभी एमपी है जानते हैं, वोट दे के भेजे, अभी तक पाँच वर्ष हो गया है, अभी तक मेरे क्षेत्र में कभी हम लोग पहचानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं जी नहीं, हम लोगों का एक उनका अथी का फंड का एक ईंटा भी नहीं लगा हुआ है सर, उसको वोट कैसे देंगे हम? तो फिर क्या करते, पाँच साल क्या किए, वो पाँच साल क्या किए? उनके पिताजी बीबी हुकुम देव नारायण यादव यहाँ रहे थे। तो सर हम क्या जानते हैं क्या किए? नहीं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं करते, काम नहीं किए। क्या करके बोलिए, मधुबनी क्या करके बोलिए? हाँ देखिए अशोक यादव जी को हम लोग बहुत मुखसर से चुनाव में वोट करवाए, हम बीजेपी के वर्कर भी हम लोग हैं, बहुत मेहनत से हम लोग एक एक वोट को पूरे प्रखंड में ले गए हम लोग किए, लेकिन अशोक यादव आज तक वर्कर को भी कभी दिखाई नहीं दिया, पब्लिक तो छोड़ दीजिए, वर्कर को भी उसने दिखाई नहीं दिया, और पंचायत नहीं पूरे प्रखंड में कहीं एक ईटा ना मुरारी यहाँ लगाया बीजेपी का नेता, उसको भी हम लोग वोट किए, उसका भी हम लोग वर्कर रहे, उसको भी हम भी तो कह रहे हैं कि जब मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी नहीं देंगे, आप नहीं देंगे क्योंकि अगले पाँच वर्ष ये में हम लोगों ने देख लिए जो ये एक भी काम नहीं किया, और यहाँ जो दबंग लोग है जो यहाँ पर जमीन माफिया है उससे मिल करके काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, हम हमारे जो काम है वो अशोक यादव और मुरारी मोहन झा के चक्कर में रुक गया, जबकि सीओ द्वारा नोटिस होने के बाद जब डीसीएलआर एडीएम और डीएम के जनता दरबार में मैंने दो बार उपस्थित हुआ, उपस्थित होने के बाद जो है सो सीओ साहब बोलते हैं जो हम पर विधायक मुरारी मोहन झा का प्रेशर है, हमको एमपी का अशोक यादव का प्रेशर है, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 27/10/2023 को हमारे जमीन पर जो अतिक्रमण हमारे जमीन के आगे में अतिक्रमण लगाया हुआ था उसको खाली करवाए, लेकिन अशोक या मुरारी के बल पर जो है सो फिर से उमेश मिश्र जो फिर से अतिक्रमण लगा दिया है यहाँ पर जो है वो गुंडागर्दी का अपना प्रभाव। ये बताइए हाथ जोड़ के आएंगे फिर अशोक यादव कहेंगे गलती हो गया फिर हमको वोट देते नहीं देना अशोक यादव का वोट, कोई नहीं इस बार अशोक यादव को वोट नहीं देना। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक बात देखिए हम लोग जो है अगले पाँच वर्षीय में जो है अशोक यादव का बहुत पूर्ण जोरदार वोटों से हम लोग जिताने का काम किए, हम लोगों ने जिताने का काम किए, जो हम लोगों का हित का काम होगा क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन एक भी इंच ईट जो यहाँ पर नहीं गड़ा, और विवादित जो है जो गुंडागर्दी का आदमी है उसको संरक्षण देकर महागठबंधन को वोट दीजिएगा। नहीं हम लोग बीजेपी का आदमी है लेकिन उस वोट किसको देना है वो विचार करेंगे, हम लोग करके दीजिए विचार करेंगे और इस तरह का जो गुंडागर्दी करे उसको नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है आप बताइए क्या कहना चाह रहे हम? अरे अशोक यादव यहाँ का जनता को कुछ नहीं दिया है और न दे रहा है, बड़ा के तो हाथ जोड़ लेते आप लोग दे ही देते, इस बार कुछ इस बार हम लोग अपने विचारधारा को रखते हुए और सोचते हुए हम लोग किसको वोट देंगे वो हम लोग विचार करने पर देंगे। इस क्षेत्र में अभी तक कौन कौन काम, एक को तो काम हुआ क्षेत्र में अभी तक? अशोक यादव मुरारी मोहन झा को हमने अपना पंचायत लेवल पर 3200 वोट से हमने जिताया है बेमान को, और 3200 वोट हमारा वोट गिरा है पंचायत, 3200 वोट केवटी वही वोट से हमसे जीता है, आज तक देखने नहीं आया है, चोर माफिया से घूमता है, गुंडागर्दी करता है, जो आता है सुनिए शांति रहिए, इस एरिया में मुरारी मोहन झा बचारी पंचायत के वोट से जीत गया है, अब बड़का बड़का माफिया के साथ दारू शराब बेचवाता है चौक चौराहा पर ही, मानपुर जाइए समझला में पोखर बेचता है,
रनवे चौटी में माफिया सबसे दारू बेचवाता है आज जब जेल जाता है तो छोड़वा देता है। यहाँ एगो काम हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हम लोग से हमारा जो काम था हमारा काम है सीओ साहब अतिक्रमण खाली करने के लिए आए तो अशोक यादव से फोन पे बात करवाए सीओ साहब को। सीओ साहब बोले जो हाईकोर्ट का आदेश है जो हम इस घर को तोड़ देंगे, जबकि प्रतिवादी उमेश मिश्र बार बार किसी भी छोटा मोटा है गांव घर में किसी गरीब को जो गरीब आदमी है उससे मारपीट कर करके जो जब केस हो जाता है किसी भी प्रकार का उलझन हो जाता है तो एमपी एमएलए अशोक यादव और मुरारी के द्वारा उस पर पैरवी लगा कर मैंने यहाँ पर उन दोनों का ज्यादा दबाव है। दबाव है उसी के दबाव से पब्लिक फील्ड में जो है से हम लोगों ने अगले बार से भी कई बार से बीजेपी के दशक में है एक मिनट है, लेकिन उसके बाद भी उस दिन भी थाना आया था जांच में अतिक्रमण की जगह तो खाली तोड़ दिया है, जगह पर जो कुछ सामान सब लगा है उस पर भी अशोक यादव पर भी करते हैं। और आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो हम उसका रिकॉर्डिंग भी मोबाइल में हम सुना देंगे। उनका कार्यकर्ता है बीजेपी के दरमा गाँव निवासी बाबू साहब वो जो मुरारी मोहन अशोक का दहिना हाथ है उसके बलबूते पर जो है सब पदवी सब जो है जितना बीजेपी का हम लोग जनता के लिए काम नहीं हुआ है और गुंडागर्दी का जो है नहीं हुआ कि कोनो चीज के नहीं हुआ